सबके सामने दोबारा एक और टॉपिक मापन तथा मात्रक में पार्ट थर्ड लेकर आई हूँ तरुणा डिफेंस एकेडमी में। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप जो है क्लास को जितना हो उसके उतना आगे से आगे शेयर कीजिएगा। आप ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए सीधा टॉपिक के ऊपर आते, देखते हैं मापन यंत्र के जो विभिन्न उपकरण है उनके बारे में देखते हैं। तो मापन यंत्र के विभिन्न उपकरणों में अगर हम पहले उपकरण की बात करें तो पहला कौन सा आता है, आपका ऑडियोमीटर आता है। यानी ऑडियोमीटर की मैं बात करूँ तो ऑडियोमीटर को किस ऑडियोमीटर से क्या मापा जाता है, तो आप क्या बताओगे, ध्वनि की तीव्रता को मापने के काम में जो यंत्र आता है वो क्या कहलाता है, ऑडियोमीटर। इसी प्रकार अगर मैं ओडोमीटर की बात करूं तो ओडोमीटर में आपका क्या हो जाएगा, वाहन द्वारा तय की गई दूरी, यानी वाहन के द्वारा जो दूरी तय की जाती है उसको मापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग करेंगे, हम ओडोमीटर का उपयोग करेंगे। अब आता है आपका अल्टीमीटर। अगर मैं अल्टीमीटर की बात करूँ तो अल्टीमीटर में क्या हो जाएगा, ऊंचाई को मापने के लिए, यानी ऊंचाई को मापने के लिए जिस यंत्र का हम उपयोग करेंगे उसको क्या बोलेंगे, हम अल्टीमीटर। अब आपका आता है ऑक्सीनोमीटर। ऑक्सीनोमीटर की बात करूं तो पौधों की वृद्धि को मापने वाली यंत्र को ही क्या बोलते हैं, ऑक्सीनोमीटर। अब आपसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करेंगे, तो प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए आप कौन से यंत्र का प्रयोग करोगे, लक्स मीटर का। इसी प्रकार ये इंपोर्टेंट है अगला इलेक्ट्रोमीटर। अगर बात करें इलेक्ट्रोमीटर की तो इलेक्ट्रोमीटर का उपयोग या कौन किसको मापने में किया जाता है, तो दूध का अपेक्षित घनत्व या दूध की शुद्धता को मापने के लिए क्या किया जाता है, लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। अब आता है हाइग्रोमीटर। यानी हाइग्रोमीटर की बात करूं तो तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व। अब आता है मोनोमीटर। अगर मैं मोनोमीटर की बात करूं तो क्या हो जाएगा, गैसों का दाब मापने के लिए कौन, गैसों का जो दाब है उसको मापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है, मैनो मीटर का। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं पूछूं कि विद्युत धारा की उपस्थिति को कौन से यंत्र के द्वारा मापा जाता है, तो आप क्या बताओगे कि ये जो विद्युत धारा है इसकी उपस्थिति की जांच करने के लिए गैल्वेनोमीटर के यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बता आपका एमीटर, एमीटर यानी कि विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र। अब एनेमोमीटर यानी वायु की जो गति है उसको मापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग करेंगे, हम एनेमोमीटर। अब आता है आपका विवांतर को मापने के लिए, अगर मैं यंत्र की बात करूं तो विवांतर को मापने के लिए कौन सा हो जाएगा, आपका वोल्ट मीटर। आगे देखिए, आगे देखिए, अगर मैं आगे बात करूं तो आपका आगे क्या आ जाता है, सिस्मोग्राफ। यानी सिस्मोग्राफ जो यंत्र है वो क्या मापने का काम आता है, भूकंप की तीव्रता। और ये क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि जो सिस्मोग्राफ है वो यंत्र किसकी तीव्रता को मापने के काम आता है, या सिस्मोग्राफ यंत्र क्या काम आता है, तो आप क्या बताओगे, जो सिस्मोग्राफ यंत्र है वो क्या करता है, भूकंप की तीव्रता को मापता है। स्टार मार्क कर लो इसको। आगे थर्मामीटर। अगर थर्मामीटर का नॉर्मली सबको पता, थर्मामीटर का यूज किसमें किया जाता है, ताप को मापने में, यानी टेम्परेचर को मापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग करेंगे, हम थर्मामीटर का। अब आपका आता है पायरोमीटर। अगर मैं पायरोमीटर की बात करूं तो पायरोमीटर जो है उच्च ताप को मापने के लिए काम में लिया जाता है, और उच्च ताप की बात करूं तो कितना, 1500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, 1500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा जो ताप होगा उसको मापने के लिए किसका यूज करेंगे, हम पायरोमीटर का। अब अगर इस पायरोमीटर की बात करें तो इसी को क्या बोल सकते हैं, हम विकिरण तापमापी भी, यानी इसको क्या बोल सकते हैं, विकिरण तापमापी। यानी एक बार दोबारा देख लीजिए, पायरोमीटर को, पायरोमीटर की बात की जाए तो ये क्या क्या काम करता है, उच्च ताप को मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, हम पायरोमीटर बोलते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि उच्च ताप यानी कितना ताप, तो 1500 से ज्यादा जो ताप होता है उसको मापने के लिए किसका उपयोग करेंगे, पायरोमीटर का। और ये जो पायरोमीटर है इसी को क्या बोला है, विकिरण ताप मापी। अब आगे देखिए, अगर आगे मैं बात करूं कैरेट मीटर। अब देखिए कैरेट से आपको आइडिया लग जाएगा, कैरेट है तो मतलब सोने की शुद्धता को मापने के लिए उपयोग में आएगा, यानी कैरेट मीटर। और सोने जो शुद्ध सोना होता है वो आपको पता है कितना होता है, 24 कैरेट का। अब देखिए स्टेथोस्कोप। अगर मैं स्टेथोस्कोप की बात करूं तो इसका उपयोग क्या होता है, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं। आगे आपका आता है रक्तदाब को मापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग करेंगे, तो रक्तदाब को मापने के लिए हम कौन से यंत्र का उपयोग करेंगे, सिफ्गेनोमैनोमीटर। अब आता है समुद्र की जो गहराई है उसको मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में आता है, तो समुद्र की गहराई को मापने के लिए आपका कौन सा हो जाएगा, फेदो
मीटर। अगर उसके बाद में बात करूं टेकोमीटर, तो टेकोमीटर का क्या हो जाएगा, प्रति मिनट घूर्णन है, उसको मापने के लिए किसका यूज करेंगे, टेकोमीटर का। इसी प्रकार अगर सौर विकिरण को मापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग करेंगे, तो कौन सी क्या करेंगे, पायरेहेलियोमीटर। अब आता है ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करेंगे, तो आप ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किसका उपयोग करेंगे, फोनोमीटर को। इस प्रकार से आपका मापन तथा मात्रक का जो टॉपिक है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। यानी हमने कितने पार्ट पढ़ लिए, तीन पार्ट पढ़ लिए। आपको जो है इन तीन पार्ट से बाहर एग्जाम में कहीं भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। अब इसके बाद हम अगला एक और पार्ट करेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड, फोर्थ पार्ट। और जो आपका फोर्थ पार्ट रहेगा उसमें आपको मापन तथा मात्रक, यानी हमने जो तीन पार्ट में पढ़ा है उसी के क्वेश्चन जो है ड्राइव करके दिए जाएंगे। यानी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको उनके आंसर करने हैं। इसलिए आपको जो है जितना ज्यादा उसके अच्छे से पीछे की क्लासों को कंटिन्यूसली लेकर देखना है, ताकि आपको पता लग जाए जो भी क्वेश्चन आपसे पुटअप हो आप उनका आसानी से जवाब दे पाए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।